खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं एक अहम खबर की। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी। बैठक इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इसमें राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, लेकिन अब एक और खबर आपको इस बैठक से संबंधित बताते हैं जो चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राहुल गांधी नेताओं के पुत्र मोह को लेकर काफी नाराज हुए। राहुल गांधी के निशाने पर पी चिदम्बरम, कमलनाथ और अशोक गहलोत थे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इन नेताओं का नाम लिए बिना कहा कि कुछ नेताओं ने अपने बेटों को टिकट नहीं मिलने की सूरत में इस्तीफे की धमकी दी थी। सूत्रों के मुताबिक दरअसल बैठक के दौरान पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि हमें राज्यों में स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए। बैठक के अंत में जब राहुल बोलने आए तो उन्होंने सिंधिया की बात का जवाब देते हुए कहा कि क्या हमें इसलिए राज्यों में नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए कि मुख्यमंत्री अपने बेटे की टिकट के लिए दबाव बनाए। तो बड़ी बात इस बैठक से जुड़ी हुई अपडेट लेते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जैनेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, बैठक इसलिए चर्चा में थी कि राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन राहुल गांधी नाराज दिखे, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कई सीनियर कांग्रेसी नेताओं को कोट करते हुए कहा कि उन्होंने अपने पुत्रों को टिकट ना मिलने की सूरत में इस्तीफे की धमकी दी थी। तो ऐसे में लोकल लीडरशिप को कैसे उभारा जाए? जी हाँ बिल्कुल आस्था, कल जो चार घंटे तकरीबन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चली उसमें सभी नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी, अपनी अपनी समीक्षा रखी कि क्यों हार हुई। उसी सिलसिले में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस महासचिव हैं, उन्होंने एक बिंदु कहा कि कांग्रेस को अपने राज्यों के नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए, राज्यों की लीडरशिप को मजबूत करना चाहिए। सबसे अंत में राहुल गांधी बोले और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस विषय को उठाया और एक तरीके से कटाक्ष करते हुए सिंधिया समेत सभी नेताओं को कहा, अपनी बात कही कि क्या राज्यों के नेतृत्व को इसलिए मजबूत किया जाए कि राज्यों के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो अपने बेटों के लिए की टिकट के लिए दबाव बनाए। उनका सीधा इशारा अशोक गहलोत, पी चिदम्बरम, कमलनाथ जैसे नेताओं की तरफ था जिनके जिनके बेटों ने चुनाव लड़ा है। राहुल ने कुछ ये भी बातें कही कि किस तरीके से उन अपने टिकट के लिए नेताओं ने उनके ऊपर दबाव बनाया, नेताओं ने क्या बातें कही। राहुल ने ये बातें भी बैठक के अंदर कही और कुल मिलाकर के राहुल का ये जो बयान था वो कटाक्ष था उन नेताओं पर जिन्होंने कि अपने बेटों के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट के लिए दबाव बनाया था। और राहुल का कहना था कि क्या इसलिए हम राज्यों के नेतृत्व को मजबूत बनाए। इसके अलावा भी कई बिंदुओं पर राहुल ने नेताओं को फटकार लगाई, मसलन राफेल के मुद्दे पर वो आक्रामकता नहीं दिखी जिसकी जरूरत थी। तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी कल आक्रामक थे, वो निराश भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी भड़ास जो है वो तमाम मुद्दों पर जो है वो नेताओं पर निकाला और उसमें सबसे अहम बिंदु था नेताओं का जो पुत्र मोह जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। जी आस्था, जैनेंद्र, हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए यही कहा जाता रहा है कि यहां पर लोकल लीडरशिप को उभरने नहीं दिया गया और आज बैठक में इस मुद्दे को खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो था वो आगे रखा, लेकिन यहां पर कई सीनियर लीडर्स को कोट करते हुए राहुल गांधी नजर आए। हालांकि नाम सीधे तौर पर उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन क्या आने वाले समय में एक संगठन स्तर पर कोई बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है क्या? यह निश्चित तौर पर आशा, राहुल गांधी को कल पुनर्गठन, पार्टी पुनर्गठन की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की जिसे सीडब्ल्यूसी ने नकार दिया और राहुल गांधी से कहा कि आप पार्टी का पुनर्गठन करिए। इस पुनर्गठन के दौर में निश्चित तौर पर बड़े फैसले राहुल गांधी लेंगे, इस बात के पूरे संकेत हैं। और जिस तरीके से वो कल अशोक गहलोत, पी चिदम्बरम, इसके अलावा कमलनाथ आदि नेताओं से नाराज थे, क्षुब्ध थे, निश्चित तौर पर जो बड़े बदलाव होंगे उनमें कई बड़े नामों पर भी गाज गिर सकती है, इस बात के पूरे पूरे संकेत हैं। और जिस तरीके से कल ही शाम के वक्त ये खबर आई कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है तो इस तरीके से उसकी शुरुआत भी हो गई है। हालांकि हमें आधिकारिक जब तक फेरबदल हो नहीं जाते तब तक कुछ भी कहने से बचना होगा, लेकिन इस बात के पूरे संकेत हैं और पूरे आसार हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कई बड़े नामों पर जो है वो कैंची चल सकती है और कुछ नए चेहरे सामने आ सकते हैं। जी आस्था, बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र, आप नजर बना रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर यही कि आने वाले समय में कांग्रेस में पार्टी और संगठन लेवल पर बड़े बदलाव हो सकते हैं, कई नए चेहरे सामने आ सकते हैं, कई नए नामों को मौका दिया जा सकता है।